So hello everyone, today we start a very, very important topic of races and games, which is in applied mathematics and which you'll find in further examinations as well. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं ट्वेल्थ के बाद जो तुम लोग आगे अपीयर करते हो. कंपटीशन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है रेसेस एंड गेम्स. इसका जो बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ना कहीं स्पीड टाइम डिस्टेंस से जुड़ा हुआ है. स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से जुड़ा हुआ है. इसकी एप्लीकेशन आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स में तो है ही है, जो आपके सिलेबस में है क्लास ट्वेल्थ में, है ना. अप्लाइड मैथमेटिक्स में तो ये है ही है. इसके अलावा आपको इस टॉपिक को बहुत ध्यान से क्यों पढ़ना चाहिए, इस ये वाला वीडियो और किस किस के लिए यूज़फुल है. अगर आप आगे ट्वेल्थ के बाद क्लैट के लिए जाते हो, आईपीएम के लिए जाते हो, राइट, आईपी मैट कहते हैं, दिस इज कनेक्टेड बाय द आईएम्स, स्पेशली टू आईएम्स, आई एम इंदौर एंड आई एम रोहतक. एंड देन आगे अगर तुम आईएएस के लिए जाते हो, राइट, द नेम ऑफ द एग्जाम इज सीसैट. इन सब में यू विल फाइंड कि इन सब में इसके इस टॉपिक पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं. तो इसकी यूसेज सिर्फ तुम्हारे क्लास ट्वेल्थ तक ही नहीं बल्कि इसके आगे भी आपको मिलेगी. तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत आसान सा टॉपिक है, और अगर हमने कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ समझ के किया तो एज यूजुअल कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी. ठीक है बच्चा, तो चलो शुरू करते हैं. रेसेस एंड गेम्स, राइट. रेसेस का मतलब तो आप जानते ही हैं ना, सम पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन सम रेस. कुछ डिस्टेंस है जो उनको कवर करना है, राइट. तो उस डिस्टेंस को जब वो कवर करते हैं सर्टेन टाइम में, तो उसी को हम लोग रेस कहते हैं. उस जो पूरे फिक्स डिस्टेंस को सबसे पहले कवर करता है ही इज़ द विनर. जो सबसे लास्ट में कवर करता है वो लूज़र एंड सो ऑन. ठीक है, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिसके बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करूँगा एंड फिर थोड़े कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एंड देन विल स्ट्रेट अवे स्विच टू द क्वेश्चंस. ऑल राइट, सो रेसेस में रेसेस क्या है ये बात आपको समझ में आती है ना. देर इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड देर इज़ अ फिनिश पॉइंट. ठीक है, अगर हमारे पास 100 मीटर का रेस है तो ये हमारा रेस कोर्स है ना. व्हाट इज़ रेस कोर्स, जिस पे की रेस हो रही है. ठीक है, मेनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रेस कोर्स. इट कैन बी 50 मीटर्स, 100 मीटर्स, 500 मीटर्स, इट कैन बी एनीथिंग. द लेंथ ऑफ द रेस कोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू. स्टार्टिंग पॉइंट इज द रेस ऑफ द रेस इज वेयर द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट द रेस. फिनिशिंग पॉइंट जहाँ पे रेस खत्म होती है, दैट इज योर फिनिशिंग पॉइंट. ठीक है, तो ये तीन बातें तो समझ में आती हैं. विनर क्या होगा बच्चों, द वन हु फिनिशेज द रेस एट द अर्लीएस्ट, द वन हु रीचेज द फिनिशिंग लाइन एट द अर्लीएस्ट, दैट इज ही इज कॉल्ड द विनर. ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस डेड हीट, इसका क्या मतलब है डेड हीट का. डेड हीट का मतलब होता है, सपोज करो जैसे अभी हमारी क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं, लाइक अभिमन्यु इज देयर, अकुल इज देयर, श्रुतिका, वेदांश एंड कृतिका, राइट. वी हैव 5-6 पीपल इन द क्लास एंड ऑल ऑफ देम आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस. इन सब ने एक साथ रेस शुरू की और एक साथ रेस फिनिश की, तो हम बोलेंगे दैट दे हैव फिनिश्ड द रेस इन डेड हीट, राइट. द रेस एंडेड इन अ डेड हीट. जब सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं लोग, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेड हीट. ध्यान रखना, ठीक है, ये वाला टर्म तुम्हें क्वेश्चंस में दिखेगा. तो डेड हीट का मतलब समझ में आ गया आपको, व्हेन द सेम रेस इज स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड एट बाय ऑल द पार्टिसिपेंट्स एट द सेम टाइम, देन वी कॉल दैट द रेस एंडेड इन अ डेड हीट. ओके, देन द सेकेंड लास्ट थिंग दैट वी शुड नो इज ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर्स. इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज करो कृतिका और वेदांश रेस में, ठीक है, कृतिका और वेदांश रेस में 100 मीटर की रेस है. वेदांश बोलता है कृतिका तू आगे चली जा, 20 मीटर आगे से भाग ले तू. तो वेदांश गेव अ स्टार्ट ऑफ, वेदांश गेव बी यानी कृतिका अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर्स, यानी वो 20 मीटर आगे से रेस भागना शुरू करेंगे. ठीक है, हु विल स्टार्ट द रेस 20 मीटर्स अहेड, बी. ठीक है, ए गिव्स बी, वेदांश गिव्स 20 मीटर्स स्टार्ट टू कृतिका. ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए इन टर्म्स का मतलब क्या है. अब देखो, अब जो भी रेस खत्म करने के लिए अब कृतिका को कितना भागना है, सिर्फ 80 मीटर्स, बट वेदांश हैज टू रन हाउ मच, 100 मीटर्स. तो ये ध्यान रहना पड़ेगा, ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर्स का मतलब क्या है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. देन द लास्ट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड, जो बहुत बेसिक बातें हैं, आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ रही हैं, राइट.
ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर. इससे क्या मतलब है? अब दोनों ने इकट्ठे रेस शुरू करी, राइट, कृतिका और वेदांश ने एक साथ रेस शुरू करी, राइट, और इन्होंने क्या किया, कृतिका ने जो है वेदांश को 20 मीटर से हरा दिया. इसका क्या मतलब है कि दोनों ने सेम पॉइंट से भागना शुरू किया था, राइट. अभी इन्होंने कोई स्टार्ट स्टार्ट नहीं लिया, दोनों ने सेम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया था और कृतिका ने वेदांश को 20 मीटर से हरा दिया. अगर 20 मीटर से हरा दिया तो क्या बोल रहे हैं, कृतिका बीट वेदांश बाई 20 मीटर्स. इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन आप क्या निकालोगे? इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन आपको ये निकालना चाहिए कि कृतिका जितने टाइम में 100 मीटर्स कवर कर रही हैं, वेदांश उतने देर में कितना मीटर कवर कर रहे हैं, उससे 20 मीटर कम, यानी कितना, 80 मीटर्स. ठीक है, सो वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस, राइट. स्टार्टिंग पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट, रेस कोर्स, विनर, ये सारी बातें तो बहुत ही कॉमन थी, आई होप आपको पहले समझ में आती थी. डेड हीट आपको समझ में आ गया होगा, राइट. ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. बी बीट्स ए बीट बी बाई एक्स मीटर्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एज वेल. ठीक है, सो ऑल राइट. सो नाउ बिफोर वी टेक अप द क्वेश्चंस ऑफ दीज टॉपिक, राइट, लेट अस ट्राई एंड लर्न अबाउट स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस एंड रेशियो. दीज आर सम बेसिक थिंग्स दैट यू हैव डन इन क्लास 11th एज वेल एज 12th एज वेल. बोथ इन स्पीड हमने पीछे किया था, वहाँ भी हमने ये सीखा था. क्या होता है, बहुत छोटा सा है, बहुत बेसिक है. मैं अक्सर आपको बताता हूँ, एक DST ट्रायंगल, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम. बचपन से आप ये सब पढ़ते आ रहे थे. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये बहुत बेसिक फैक्ट्स है विच आई बिलीव यू पीपल नो. ठीक है, देन बेसिक नॉलेज ऑफ रेशियो इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बिकॉज रेसेस के क्वेश्चन में आप देखोगे ऑलमोस्ट 70-80% क्वेश्चन आप रेशियो से ही सॉल्व करोगे. सो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द बेसिक्स ऑफ रेशियो एंड हाउ टू डील विद इट. फॉर एग्जाम्पल, कुछ बेसिक्स ऑफ रेशियो बता रहा हूँ, फिर स्ट्रेट अवे टॉक टू दी क्वेश्चन, टॉक अबाउट द क्वेश्चन. ठीक है, देन सपोज करो आपके पास दे रखा है ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/6, और आपके पास ये भी दे रखा है दैट बी अपॉन सी इज 2:1, और आपसे पूछा गया व्हाट इज ए इज टू बी इज टू सी. ठीक है, आपसे ये पूछा गया. तो इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ता है, जो भी चीज़ कॉमन है उसको सेम करना पड़ता है. बी इज 3 हेयर, देन बी इज 2 हेयर, तो मैं इसको कॉमन करूँगा. कॉमन क्या करना पड़ता है, इसके एलसीएम लेते हैं. 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6. तो मैं इसको 6 बनाने के लिए क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा. इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूँगा. बट किसी भी फ्रैक्शन में अगर मैं डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो न्यूमिनेटर में भी करूँगा, और अगर न्यूमिनेटर में 3 से कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर में भी करूँगा. नाउ दिस इज व्हेन ए इज 4 एट दैट टाइम बी इज 6, एंड व्हेन बी इज 6 देन दैट टाइम सी इज 3. सो यू हैव 4:6. अगर इन्होंने ए इज टू बी इज टू सी पूछा होता या ए इज टू सी पूछा होता तो हम स्ट्रेट अवे अब ये निकालने के बाद कोई टू सी भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं. देयर आर सेवरल अदर मेथड, बट यस आई फाइंड दैट दिस इज अ वेरी यू नो गुड मेथड, एंड आई वुड रिकमेंड कि इस मेथड को आप ध्यान से सीख लें और समझ लें. एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, राइट, दिस इज वन एग्जाम्पल. आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल इसी टाइप से, बिकॉज आपको अभी क्वेश्चन में ये सारे कॉन्सेप्ट यूज करने होंगे. ठीक है, तो सिचुएशन सपोज करो कभी ऐसी है दैट 3 times a इज इक्वल टू 2 times ऑफ b, कंडीशन नंबर 1, एंड कंडीशन नंबर 2 इज 2 times ऑफ सी थोड़ा अच्छा लिख देता हूँ, सी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा ठीक कर देते हैं. तो 2 times ऑफ सी इज इक्वल टू क्या लिया जाए, 5 times ऑफ बी ले लें. ओके, एंड अगेन हमारे पास टास्क वही है, क्या, टू आइडेंटिफाई व्हाट इज ए इज टू बी इज टू सी. सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है. आई होप यू फाइंड दिम थिंग्स इंस्टीट्यूट. बहुत ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन 1 से क्या मैं कह सकता हूँ दैट ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3. ठीक है, मैंने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 3 नीचे ले आया और इधर 3 को नीचे ले गया. सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 से क्या मैं कह सकता हूँ बी अपॉन सी, बी इधर सी को नीचे ले जा रहा हूँ तो 5 दैट वुड बी 2/5.
जस्ट अ मोमेंट। ऑल राइट, सो वंस यू हैव रीच दिस प्लेस, आप प्रीवियस क्वेश्चन के पेज पे आ गए। अब क्या करना है, बी को सेम करना है। बी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मैंने बोला एलसीएम लेकर के सेम कर दो, यानी 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, दोनों को 6 बना दो। 6 बनाने के लिए आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। नाउ व्हेन ए इज 4 एट दैट टाइम बी इज 6, व्हेन बी इज 6 एंड सी इज 16, तो आपके पास ए इज टू बी इज टू सी कितना आ गया, 4:16। तो रेशियोज को इस तरीके से डील करेंगे, ठीक है। आई होप ये एग्जाम्पल्स आप अपनी नोटबुक में प्रॉपरली लिख रहे हो, ठीक है। जब क्वेश्चन करोगे तो इस चीज आपको जरूरत पड़ेगी। हालांकि व्हेनेवर द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इफ द डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट, इफ द डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से समझ में आने वाली बात ये है कि एस वन अपॉन एस टू डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है दोनों केस में, तो डी और डी कैंसिल हो जाएगा, टी वन नीचे आएगा और टी टू ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये कंक्लूजन हमें ध्यान रखना है बेटा, राइट, वेन एवर डी इज कॉन्स्टेंट। सिमिलरली कई बार ऐसा होता है कि टाइम भी कॉन्स्टेंट होता है, तो दोनों केस में टाइम क्या तुम्हारा कॉन्स्टेंट है, द टाइम इज नॉट चेंजिंग, राइट। तो लेट्स से द टाइम इज नॉट चेंजिंग, टाइम इज कॉन्स्टेंट, ओके। सो इफ द टाइम इज कॉन्स्टेंट तो उस केस में एस वन अपॉन एस टू, अब यहाँ पे क्या होगा, डी वन अपॉन डी टू के बराबर होगा, तो स्पीड जो है उस केस में रिस्पेक्टिव डिस्टेंस के रेशियो में होंगे। ऑलराइट, आई होप यू गेट ऑल दिस, एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स अ मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जैसा कि हमारे एग्जाम में होता है, ठीक है। आओ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। सो हियर वी हैव एक्सरसाइज 1.7 फ्रॉम योर रेकमेंडेड बुक, और यहाँ से हम लोग इसको करना शुरू करेंगे एमएलए के बाद से, ठीक है। लेट्स से मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ। ए कैन रन 40 मीटर्स व्हाइल बी 50 मीटर्स इन द सेम टाइम। अब यहाँ तो मैं क्या मालूम है, देखो अगर स्पीड ऑफ ए एस ए है और स्पीड ऑफ बी एस बी है, व्हाट कैन आई से अबाउट एस ए अपॉन एस बी, टाइम कॉन्स्टेंट है ना। मीन वाइल इन द सेम टाइम, टाइम कॉन्स्टेंट हमने पढ़ा है ना अभी, तो क्या किसके इक्वल हो जाएगा, डी ए अपॉन डी बी। ए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 40, और बी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 50। तो हमें ये पता लग गया कि एस ए अपॉन एस बी की वैल्यू कितनी है, 4/5, ठीक है। इन अ 100 इन अ 1000 मीटर रेस बाय हाउ मच डिस्टेंस बी बी ए, ठीक है। रेस कौन जीतेगा ये तो पता है ना, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो जीतेगा, किसकी स्पीड ज्यादा, बी की। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि जितने देर में ये 1000 कवर करेगा उतने देर में ये कितना कवर करेगा। तो सिंपली मैं इसको डिस्टेंस से इक्वेट कर रहा हूँ, आई अगेन रिपीट दैट, रेशियो ऑफ स्पीड क्योंकि टाइम सेम है, तो उतने ही देर में हम उसको डिस्टेंस से इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। 1000 मीटर की रेस है, रेस कब कौन जीतेगा, बी जीतेगा। कब जीतेगा, जब वो 1000 मीटर कवर कर देगा। तो जब इसने 1000 कवर किया तो उसने कितना कवर किया ये हमें कैलकुलेट करना है। सो आई जस्ट नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स बाय सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। x can be written as 4 into 1000 divided by 5. क्या ये कैंसिल हो रहा है, हमारे पास 200 से कैंसिल हो रहा है, यानी कि उसने कितने मीटर से डिस्टेंस, कितने मीटर से रेस को जीत लिया, 800 मीटर जीता क्या, नहीं, उसने 800 मीटर कवर किया, जितने देर में उसने 1000 कवर किया उसने 800 कवर किया, तो कितने मीटर से जीता बेटा 1000 की रेस में, द आंसर शुड बी 200 मीटर, ठीक है। आई होप यू हैव द बुक। 1 का 200 मीटर आंसर होना चाहिए, जो भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको भी समझ में आ गया जस्ट राइट यस इन द चैट बॉक्स। आई विल डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू कैन पे अटेंशन हियर। क्वेश्चन नंबर 2 आई एम डिस्कसिंग इट हियर, आई विल चेंज द कलर ऑफ द इंक सो दैट यू हैव द क्लास नोट्स इन द राइट फॉर्मेट। Question number 1, that was in blue. Question number 2 is in black. Okay. In a 100-meter race, अब देखो मैंने तुम्हें दो बातें बताई थी। मैंने बताई थी कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्ट्रेट अवे डिस्टेंस के रेशियो में स्पीड हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो
तो वहां से मैंने आपको ये बताया था कि एस वन अपॉन एस टू किसके इक्वल हो जाएगा, टी टू अपॉन टी वन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इन 100 मीटर रेस, ए कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36, अ डिस्टेंस इन 36 सेकेंड्स एंड बी इन 45 सेकेंड। तो हमें यहाँ पे रेशियो स्पीड टर्म में क्या कर सकता हूँ मैं, एस ए अपॉन एस बी दैट इज इक्वल टू, अब बी के, बी को कितना टाइम लग रहा है 45, तो वो ऊपर आएगा। ए को कितना टाइम लग रहा है 36, तो वो हमारे पास नीचे आएगा। अदरवाइज भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो भी ज्यादा टाइम ले रहा है वो स्लो है ना, और जो भी कम टाइम ले रहा है वो फास्ट है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात होगी ना कि अगर कोई, मैं कम टाइम ले रहा हूँ तो मैं ज्यादा फास्ट हूँ। 9 से मैंने डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया, 9 5 का एंड 9 4 का, इट इज कमिंग आउट टू बी 5/4, ठीक है। तो रेशियो ऑफ स्पीड तुम्हारे पास डिस्टेंस से भी निकल सकती है, टाइम से निकल सकती है, डिपेंड क्या कॉन्स्टेंट दे रखा है वो टू गेट दिस पॉइंट। अब पूछ रहे हैं बताओ बाई हाउ मच ए विल बीट बी। अब फिर तो वही वाली बात होगी, कौन जीतेगा, पहले ही दिख रहा है कि स्पीड ए की ज्यादा है तो ए जीतेगा। कब जीतेगा, जब ये 100 मीटर कवर करेगा। ये उतने देर में कितना चलेगा ये देख लेते हैं। तो अगेन हमने एक्स की वैल्यू देखी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स को इधर लेके आए, कितना आ गया 100 × 4/5, ठीक है बच्चों। ये आपका 20 से गया, इट्स कमिंग आउट टू बी 80, यानी जितने देर में ए इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, बी इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, तो कितने मीटर से आ रहा बेटा, 20 मीटर शुड बी दी आंसर, ठीक है। तो 20 मीटर शुड बी दी आंसर। आई होप यू गेट दिस पॉइंट एज वेल। लेट्स सी दी फोर्थ वन नाउ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम देखेंगे कैसे करना है। इन अ रेस ऑफ ए रन्स 4 टाइम्स एज फास्ट एज बी, ठीक है। दैट मीन्स अगर स्पीड ऑफ ए एस ए है और स्पीड ऑफ बी अगर एस बी है, तो हमें ये दे रखा है एस ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एस बी, राइट, दैट इज गिवन टू अस। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये तो रेशियो ऑफ स्पीड ही है ना, द रेशियो ऑफ स्पीड इज व्हाट, इट इज 4:1, ठीक है। इफ यू गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 60 मीटर, हमें इसकी, इस लाइन का मतलब भी समझ में आता है। क्या कहता है कि जो भी हमारा रेसिंग ट्रैक है, राइट, उसका जो भी हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है, ए कहता है बी को कि भाई तू 60 मीटर आगे से भाग ले, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से। भाई बी यहाँ से भागेगा और ए कहाँ से भागेगा, ए यहाँ से भागेगा, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। ऑल राइट, वंडरफुल। हाउ फार मस्ट द गोल ऑन द रेस कोर्स बी सो दैट ए एंड बी रीच एट द सेम टाइम, कितनी दूरी पे इनका ये होना चाहिए ताकि ये लोग सेम टाइम पे फिनिश करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा, अमेजिंग क्वेश्चन। समझने की बात ये है बेटा कि बी लेट से अगर एक्स डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, तो ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, x+60, बिकॉज ए तो पूरा पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। तो अब मैं, हमने क्या देखा था कि जितने देर में, राइट, बी एक्स डिस्टेंस कवर करेगा उतने देर में ए कितना कवर करेगा, x+60। तो क्या इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी क्या, आओ जरा देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4x = x+60, 3x = 60, तो एक्स इज कमिंग आउट टू बी 20। इज दैट दी आंसर, नो, इट शुड नॉट बी द आंसर। व्हाई, बिकॉज दे हैव आस्क्ड यू हाउ फार मस्ट द गोल बी। गोल क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के स्टार्टिंग एंड पॉइंट तक की जो दूरी होती है उसको गोल कहते हैं। तो एक्स तुम्हारा 20 है, टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, 60 + 20, तो द आंसर शुड बी 80 मीटर, है ना। फोर्थ का आंसर 80 मीटर होना चाहिए, चेक करें क्या, आओ देखते हैं। फोर्थ का आंसर 80 मीटर बिल्कुल सही है, ठीक है। सो आई होप यू गेट इट, लेट मी नो इफ इट इज फाइन चिल्ड्रन। तो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास, क्वेश्चन नंबर 10। इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग इन अ फ्लैट रेस ए बी बी बाई 15 मीटर, ऑल राइट, एंड सी बाई 29 मीटर, ठीक है। मैं हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में क्या सजेस्ट कर रहा हूँ अभी तक, कि हम ये देखेंगे कि कौन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ए और बी के बारे में दिया गया और फिर ए और सी के बारे में दिया गया, बहुत ध्यान से तुम्हें क्वेश्चन के डेटा पे ध्यान देना। मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट वेयर यू हैव टू फोकस ऑन डेटा एंड टू द पॉइंट डेटा, कहानी पे ध्यान मत देना है तुम्हें, तुम्हें सिर्फ डेटा पे ध्यान देना है। तो क्या कह रहे हैं,
ए बी को 15 मीटर से हरा रहा है, यानी अगर ट्रैक की लेंथ एक्स है तो ए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक्स, उतने देर में बी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक्स माइनस 15। हाँ बिल्कुल सही, डोंट गेट एक्साइटेड, माइक ऑफ रखो राइट। और ए जितने देर में एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है सी उतने देर में 29 कम कर रहा है, दैट इज एक्स माइनस 29। तो ये दो बातें हमें यहाँ से समझ में आनी चाहिए थी, आई होप आपको समझ में आई है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, व्हेन बी एंड सी रन ओवर द कोर्स, मतलब इसी रेस कोर्स से बी और सी भागते हैं, तो बी विंस बाय 15 मीटर, वंडरफुल। यानी कि अगर मैं एस बी और एस सी के रेशियो की बात करूँ तो बी जितने देर में पूरा डिस्टेंस कवर करता है सी उतने देर में 15 मीटर कम कवर करता है, इतनी सी बातें हमें मालूम है। अब हमसे पूछा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेस कोर्स, यानी हमें करना क्या है, हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू बतानी है। कैसे करें भाई, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से मैं क्या निकालना चाहता हूँ, जो चीज़ कॉमन है, कॉमन क्या है एस ए, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो क्या मैं यहाँ से एस बी अपॉन एस सी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कह सकता, कितना हो जाएगा एक्स माइनस 15 अपॉन एक्स माइनस 29। और यही बात हमें यहाँ पे भी दे रखी है, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्स अपॉन एक्स माइनस 15। क्या यहाँ पे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ पाएगी, आओ जरा देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, एक्स माइनस 15 का होल स्क्वायर आ गया और यहाँ मेरे पास आया एक्स इंटू एक्स माइनस 29। लेट्स सॉल्व इट, देखते हैं कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऑन द राइट हैंड साइड आई हैव ए स्क्वायर माइनस 29, द गुड साइड इज एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो गया राइट। और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एक्स इज इक्वल टू 225। इज दैट द आंसर, दैट शुड बी द आंसर, दैट शुड बी द आंसर। चेक करके देखो ना क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं सर, यही है, हाँ वो तो होना ही था राइट। तो इस तरीके से वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे एंड